भोजपुरी में जब किसी पे खतरा मंडराता है तो बचाने कौन आता है। भोजपुरी का विवाद तो आप देखे ही होंगे और जवाब भी आपको अच्छे से पता होगा, राजा मतलब पवन सिंह। तो यहाँ पे भोजपुरी को बचाने कौन आएगा, राजा ही आएगा। काफी समय से लोग टीजर का इंतजार कर रहे थे और टीजर वैसा ही है जैसा हमने सोचा था, दिल के बुकनी बुकनी होने से बच गया। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बताई। दोस्तों सबसे अच्छा हमको इसमें लगा एक्शन। पहली बार पवन सिंह को इस अवतार में देखा गया किस तरीके से पानी के भीतर लड़ाई कर रहे थे। चलिए पानी के भीतर तो ठीक था, पानी के बाहर धरातल पे भी ऐसा एक्शन कर रहे थे पवन सिंह अपनी हर हर गंगे फिल्म में कि आप कह सकते हैं पवन सिंह बनने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। क्या बात है। दोस्त पवन सिंह का ये टीजर देख के ये बात तो आप बिल्कुल अपने दिमाग घुटने और फेफड़ा में बैठा लीजिए कि ये फिल्म मजाक नहीं होने जा रहा है। डायलॉग सुन के एकदम शरीर का रुआ खड़ा हो जाता है। पवन सिंह के इस टीजर को देख के कह सकते हैं कि हाँ अब जो है वो साउथ से कंपैरिजन किया जा सकता है। मुंह से फतर फतर बोला से हुई। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। दोस्तों याद है पवन सिंह ने अपने एक बारी गाने में कहा था आरा वाला के ना हल्का में लिहल जाला, और ये चीज वो इस टीजर में ही साबित कर दिए। और जब मन से एक्टिंग किए तो क्या जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिला, और उससे भी ज्यादा कमाल का डायलॉग डिलीवरी। वाकई 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 बहुत अमेजिंग है। यही जबरदस्त एक्टिंग और आवाज में भारीपन बताता है कि क्यों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लोग इनको अपना बाप मानते हैं। दोस्तों कितना बुरा, कितना गंदा और कितना थर्ड क्लास होता है भोजपुरी में फाइट, लेकिन क्या बॉलीवुड क्या साउथ इस फिल्म में जो पवन सिंह के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और कैमरामैन पानी में कैमरा ले जाके जो चीज उसमें से बाहर निकाल के लेके आए हैं ना, और लोगों से कम इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। बात तो सही है। और ये तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि कल्लू इतना ज्यादा सीरियस अंदाज में इस ट्रीजर में नजर आएंगे। वो वाकई बहुत कमाल का लगता है और पूरे ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं कल्लू भैया बस अपने एक झलक को दिखा के। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो इस टीजर में चार फिल्म देख सकते हैं, और सबसे पहला फिल्म तो आपको बाहुबली देखने को मिलेगा। ये बच्चा, बारिश और डायलॉग पूरे बाहुबली का याद दिलाता है। पिछली बार इस तरीके का कुछ कमाल बाहुबली में ही हुआ था। ठीक है। हाल फिलहाल में आई फिल्म RRR, इतना ज्यादा जानवर से खतरनाक लड़ाई पिछली बार हमने उस फिल्म में ही देखा था, और यहाँ पे शेर से लड़ाई और मगरमच्छ को पानी में से घसीट के बाहर निकालना वाकई RRR के याद दिला देता है। और इसमें अगर लड़ाई और पिटाई को देखा जाए तो KGF याद आ जाता है, लेकिन ये सब सीन को अगर देखा जाए तो KGF में भी इतना ज्यादा खतरनाक सीन नहीं था। हजरात 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 सलाम बजर। दोस्तों इस टीजर में 1:27 का जो म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है ना, मतलब टीजर के इस लेवल को यहाँ पे लेके चला आता है, इतना ज्यादा जबरदस्त इसमें म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक और वाइब वाला म्यूजिक है ना कि आपको टीजर देखते देखते सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी और टीजर टक से खत्म हो जाएगा। अब आइए शिकायतें की पेटी को खोलते हैं, और टीजर आते ही कुछ लोगों का इल्जाम है कि पवन सिंह ने जो मगरमच्छ लेके एंट्री मारा है वो नकली नजर आ रहा है, तो इसका जवाब मोदी जी ही देंगे। लवणे न भोजन। नया पे एक सीख लिए हो, VFX से कुछ भी बना दिया जाए लोगों के लिए तो ये सीधा ऐ कह देते हैं कि ना ना ये असली नहीं है, ना ना वो मजा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो हम कर देंगे। तो आप लोग से हम यही कहना चाहते हैं तो करना। अब आपके सामने पेश करते हैं लॉजिकल बात। सबसे पहले तो ये RRR का एक सीन देखिए, इसके जस्ट बगल में आपको हर हर गंगे के सीन दिख जाएंगे। अब आप यहाँ पे बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस है। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है भाई? VFX की तरह ही होगा ना, चाहे वो हॉलीवुड में हो, साउथ में हो या फिर हो भोजपुरी में। और भोजपुरी में जो VFX का काम कंप्लीट किया है जानते हैं उनका नाम क्या है? वॉट स्टूडियो। हजारों प्रोजेक्ट को साउथ में उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से किया गया है, तो उनके काबिलियत पे सवाल उठाना आपके मूर्खता को दर्शाता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें हर हर गंगे जो फिल्म है वो गंगा माँ पे बनाई गई फिल्म है, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टोरी, फाइट
VFX और गाना जो है इसमें तो सेकेंडरी है। सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब कल्लू और पवन सिंह को इस फिल्म में चैलेंज देखने को मिलेगा और वो किस तरीके से गंगा माता को साफ करने वाले अभियान में अपना जान फूंकते हैं, ये देखने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। और इतना सब समझाने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके लिए हमारे पास 3 ही शब्द है, भाड़ में जाओ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। खैर दोस्तों, अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि क्या इस तरीके से पवन सिंह का स्क्रीन पे इतने बड़े लेवल से आना क्या भोजपुरी को बदल देगा या फिर खेसारी लाल यादव का ये फिल्म सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।